जो फिल्मी कलाकार हैं उनको वहाँ के महाराष्ट्र की बुराई नहीं करनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ मुंबई की बुराई नहीं करनी चाहिए या किसी के द्वारा है। मैं इन बयानबाजी का जो कि विरोध करता हूँ, इनमें कहीं ना कहीं राजनीति झलकती है। सुशांत के मरने के बाद भी उसको भुना रही है सरकार, भुना रही है मीडिया, भुना रहे हैं फिल्मी कलाकार। बीजेपी के पास किसी प्रकार के मुद्दे ही नहीं है। बीजेपी का अच्छी प्रकार से जानता हूँ मैं। बिहार के लिए कोई मुद्दा नहीं रहा है, दिल्ली के लिए मुद्दा नहीं रहा था तो इन्होंने जो कि शाहीनबाग को मुद्दा बना दिया। 4000 मरीज थे तो लोगों को डंडों से मारा जाता था, अब 1 लाख मरीज रोजाना होता है, 50 लाख से ऊपर मरीज हैं। कहाँ गया कोरोना के नाटक? मोदी जी, मुद्दों की राजनीति पर आइए। सब लोग जान गए हैं कि आप कौन हो। आपका अच्छी प्रकार से जो रंगा हुआ था ऊपर से, वो रंग उतर चुका है, आपकी असलियत आ चुकी है। चौकीदार भी नहीं हो। प्रधानमंत्री की बात तो बहुत दूर की है, क्योंकि चौकीदार कभी चोर नहीं होता है, पर तुमने तो वो किया है जो कोई नहीं कर सकता देश के साथ। देश के साथ सबसे बड़ी गद्दारी की है, काले अक्षरों में तुम्हारा नाम आएगा। तो मीडिया अपना अस्तित्व तो भूल चुकी है, मीडिया को जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाती है, मुद्दों से बिल्कुल हट चुकी है। मीडिया जिस तरह से सुशांत सिंह मामले को लेकर बिहार चुनाव के लिए बयानबाजी कर रही है, कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे? इतना बड़ा मुद्दा लेने की जरूरत क्या है? समाचारों में 1-2 दिन चलना चाहिए था, और उसके बाद में वो CBI की जांच का मामला था, पर ये कहीं ना कहीं राजनीतिक मामला है इसके अंतर्गत में, और ऐसी राजनीति है जो बिहार की राजनीति से संबंधित है और महाराष्ट्र की सरकार को गिराने की चाल है। क्यों? जो कलाकार बिहार का था, बिहार में काफ़ी लोकप्रियता थी उसकी, और जब ऐसी घटना हुई तो उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि महाराष्ट्र के लोगों को तो टारगेट किया जा रहा है इस बात के लिए कि वो लोग इसमें अपराधी हैं। सर, कंगना रानावत जो अभिनेत्री है उसने महाराष्ट्र को POK पोक बताया है, कैसे देखते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ उनके जो ये गैर जिम्मेवाराना जो कि बयान है, इनका मैं विरोध करता हूँ। किसी भी कलाकार को इस प्रकार का बयान नहीं करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि जो भी ये बयानबाजी चाहे रिया के द्वारा है, चाहे गंगा के द्वारा है या किसी के द्वारा है, मैं इन बयानबाजी का जो कि विरोध करता हूं, इनमें कहीं ना कहीं राजनीति झलकती है। कहीं ना कहीं जिस ढंग से सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या आपको लगता है अगर उद्धव ठाकरे अगर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे के सरकार बनाते हैं तो उसके बाद भी सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा इसी तरह चलेगा या फिर बदल जाएगा, कैसे देखते हैं? भाजपा के अंतर्गत में कितना भी अपराधी क्यों ना हो, वो आकर के एक बार आ जाए और वो अपराधी एक बार आने के बाद में फिर सीधा गंगा नहा लेता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा जो भी इस प्रकार से किया जा रहा है, यदि वो BJP के अंतर्गत में आते हैं तो काफ़ी राहत मिल जाएगी। जैसे कि हरियाणा के अंतर्गत में जो कि दुष्यंत जो था, जब उनको उसके अंदर मिला लिया BJP के अंतर्गत में, तो दुष्यंत के पिता चौटाला इत्यादि को तत्काल रिहा कर दिया गया, उनको काफ़ी सुविधाएं दे दी गई, सब्सिडी दे दी गई। मैं इसी प्रकार से कहना चाहता हूं, जिस समय उद्धव ठाकरे यदि BJP से मिलते हैं या किसी प्रकार से हाथ मिलाते हैं तो उसके तुरंत बाद में हर प्रकार से उनको राहत मिलेगी, इसके अंतर्गत में कोई शंका नहीं है। मीडिया अब जिस तरह से दोषियों पे, दोषी है या नहीं है वो तो कोर्ट बताएगी, जिस समय दोष क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये दोषी है ये नहीं है, लेकिन उससे पहले जिस ढंग से रिया चक्रवर्ती हो या कोई भी हो, जिस तरह से मीडिया उसको करती है, टॉर्चर कर रही है, जिस तरह से कर रही है, तो कैसे देखते हैं, क्या मीडिया को करना ये सही है? मैं ये कहना चाहता हूँ इसके अंतर्गत में कोई भी किसी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं है। कभी आप सलमान खान का बात करते हो, कभी आमिर खान की बात करती है, मुस्लिम जो कि कलाकारों को टारगेट किया जाता है, मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ उनकी निजी परिस्थिति थी, निजी परेशानियाँ थी, पारिवारिक परेशानियाँ थी, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। उसके बाद में भी तुम उल्टी सीधी बातें करते हो, और जो बीच में रिया है, कंगना इत्यादि हैं, ये तो अपनी पक्षटी के लिए और आगे आने वाली फिल्मों में काम मिले अच्छी प्रकार से और आने वाली फिल्म हाई लेवल के अंतर्गत में जाए, ये तो उसका नाटक किया जा रहा है। अर्थात सुशांत के मरने के बाद भी उसको भुना रही है सरकार, भुना रही है मीडिया, भुना रहे हैं फिल्मी कलाकार। मैं कहना चाहता हूँ उसे शांति से सोने दो, अब उसको डिस्टर्ब मत कीजिए, बहुत कुछ हो गया। मुर्दों के ऊपर राजनीति नहीं की जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे देश की परंपरा है, मरे हुए व्यक्तियों के ऊपर सम्मान किया जाता है, उन्हें स्वर्गीय कहा जाता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा इन मुद्दों को समाप्त करें, सुशांत का मुद्दा समाप्त करें। बीजेपी के पास किसी प्रकार के मुद्दे ही नहीं है। BJP का अच्छी प्रकार से जानता हूँ मैं। बिहार के लिए कोई मुद्दा नहीं रहा है, दिल्ली के लिए मुद्दा नहीं रहा था तो इन्होंने जो कि शाहीनबाग को मुद्दा बना दिया, हम लोगों को मुद्दा बना दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ अब केवल ये राजनीति करें तो विकास की राजनीति करें। अब ये बताए पूरी मीडिया कि अर्थव्यवस्था समाप्त हुई कि नहीं हुई है, और कितनी जो कि GDP और डाउन करना चाहते हो, इस मुद्दे पर बोलिए ना।
बोलना है तो कोरोना पर बोलिए ना, आप में हिम्मत है तो। जब 4000 मरीज थे तो लोगों को डंडों से मारा जाता था, अब 1 लाख मरीज रोजाना होता है, 50 लाख से ऊपर मरीज हैं, कहाँ गया कोरोना के नाटक? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये नाटक करना छोड़ दिया, मैंने कह दिया कोरोना नहीं है, उस समय मुझे सहारनपुर जेल के अंतर्गत में डाल दिया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी मुद्दों की राजनीति पर आइए, सब लोग जान गए हैं कि आप कौन हो, आपका अच्छी प्रकार से जो रंगा हुआ था ऊपर से वो रंग उतर चुका है, आपकी असलियत आ चुकी है। मैं कहता हूँ आप चौकीदार भी नहीं हो, प्रधानमंत्री की बात तो बहुत दूर की है, क्योंकि चौकीदार कभी चोर नहीं होता है, पर तुमने तो वो किया है जो कोई नहीं कर सकता देश के साथ, देश के साथ सबसे बड़ी गद्दारी की है, काले अक्षरों में तुम्हारा नाम आएगा, मैं इस बात को बताना चाहता हूँ आपके लिए, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, आप जो कर रहे हो आप गलत कर रहे हो, ठीक नहीं कर रहे हो। मीडिया जिस तरह से कर रही है सुशांत सिंह मामले को लेके, जिस तरह से जो भी है रिया चक्रवर्ती हो या कोई भी हो, जिस तरह टॉर्चर कर रही है, क्या इन सारे मीडिया कर्मियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कैसे देखें? मीडिया कर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर कौन करे कार्रवाई? क्योंकि यदि मीडिया ऐसे नहीं बोलती है जिस प्रकार से उनको कहा जाता है, तो चैनल समाप्त कर दिए जाते हैं, और जो कि जितने भी कलाकार हैं वो कैंसिल कर दिए जाते हैं, जो रिपोर्टर हैं उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाते हैं, तो मीडिया की भी कहीं ना कहीं परिस्थिति है। मीडिया चाहते हुए नहीं बोलती है, मीडिया के कई बार जो कर्मचारी हैं वो लोग भी आकर के हमसे इस बात को दुखी को रोते हैं कि हमारे लिए क्या 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 टॉर्चर किया जाता है। तो इसलिए कहना चाहूँगा, मीडिया को इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, और कलाकारों को केवल वो बात बोलनी चाहिए जो समाज को जोड़ने वाली हो, जो समाज को तोड़ने वाली बात नहीं बोलनी चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे पोस्टर छपवाए हैं, ना भूले हैं ना भूलने देंगे सुशांत सिंह राजपूत, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये विकास का मुद्दा नहीं है, सुशांत राजपूत का जो मुद्दा है, कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत में राजनीति झलकती है, इसलिए आप एक ही काम कीजिए। उसके लिए मैं कहना चाहूँगा, इन मुद्दों को छोड़ो, विकास की बात करो। अब बिहार की राजनीति आ रही है, उसके लिए वायदे कीजिए, दिल्ली की राजनीति है उसके विषय में जानिए अच्छी प्रकार से। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये सब बंद किया जाए और अब केवल विकास के मुद्दे लिए जाएं, देश को प्रगति के मुद्दे लिए जाएं, जीडीपी हमारी किस प्रकार से हाई लेवल में, ये देखा जाए, चाइना से हम कैसे निपटें, हमें एकजुट होकर के ये पूरे देश को, उसके बाद में निजीकरण इत्यादि जितनी भी समस्याएं उनको सॉल्व करना चाहिए, ना कि हमें ये सब मुद्दे सुशांत सिंह जैसे मुद्दे लेने चाहिए। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, कैसे देखते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ? आज जो है, जो देश का मेन समस्या है, बेरोजगारी, भुखमरी, इन सब को ना दिखाते हुए ये दूसरे मुद्दे पे जो है ध्यान भटकाती है पब्लिक का, कैसे देखते हैं? मैं कह रहा हूँ, मीडिया अपना अस्तित्व भूल चुकी है, और मीडिया को जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाती है, मुद्दों से बिल्कुल हट चुकी है। इसलिए मीडिया को लिए कहूँगा, वो भी समझे अच्छी प्रकार से, कहीं ना कहीं उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा प्रेशर राइज सिस्टम है ऐसा लगता है, कि नहीं तो सभी तो एक जैसे नहीं हो सकते हैं। सोशल मीडिया सबसे परे है, सोशल मीडिया ठीक दिखाती है, बड़ी मीडिया हमारा इंटरव्यू लेती है पर दिखाती नहीं है, उसके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर जरूर है, ये हम अच्छी प्रकार से जानते हैं। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है जिस ढंग से जो है सोशल साइटों पे जैसे बिहार चुनाव के लेके हो रहा है, तो देखते होंगे डिसलाइक का, जैसे प्रधानमंत्री के मन की बात को जो है बहुत लोगों ने डिसलाइक किया, इसी तरह जितने भी नेता हैं सबके जो है रैली को, जो है डिजिटल रैली को डिसलाइक किया जा रहा है, कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं, अब मोदी जी को देश में पसंद करने वाला कोई है ही नहीं, केवल प्रेशर डाला जा रहा है पुलिस के द्वारा। इनके पास दो डंडे हैं, एक IAS IPS है, और दूसरा जो कि पुलिस प्रशासन इत्यादि जो भी है, एक जो कि मीडिया है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा, ये केवल प्रेशराइज किया जाता है। हालांकि टीवी में जब मोदी जी का फोटो आता है तो कोई भी पसंद नहीं करता, चैनल चेंज कर देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी की लोकप्रियता समाप्त हो गई है, मोदी जी के असलियत जो कि चेहरा सामने आ गया है, विकास के मुद्दे हैं नहीं, नौकरियां हैं नहीं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं राजनीति है और मीडिया का जो मामला है। आप कह रहे हैं सर कि जो मोदी जी की लोकप्रियता समाप्त हो गए, इधर कुछ दिन पहले आज तक के सर्वे ने दिखाया है मोदी जी जो है बहुत ही जो है यानी कि अच्छे नेता है। अब उनको भी कहीं 10-20 करोड़ रुपए दे दिए गए होंगे, तो ये रिपोर्ट दिखाना बहुत जरूरी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे चैनलों को कितना पैसा दिया है, यहाँ का दिया है, और ट्रंप के मामले में जो कि अमेरिका के जो कि मीडिया को भी दिया गया, तो ये केवल इस प्रकार का मामला चल रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा, अब विकास के मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए, नौकरियों की चर्चा होनी चाहिए, अब जो चर्चा होनी चाहिए इस प्रकार देश की प्रगति की चर्चा होनी चाहिए। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदू मुसलमान की चर्चा नहीं होनी चाहिए, मंदिर मस्जिद की चर्चा नहीं होनी चाहिए, सुशांत सिंह की चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा हो तो ये बताइए, अर्थव्यवस्था हमारी डाउन क्यों हुई और ये कैसे संभले, ये चाइना कैसे हमारे पास तक आ गया, अंदर तक आ गया, ये कैसे पीछे हटे। चर्चा हो तो ये हो कि ये नौकरियां किस प्रकार से बहाल की जाएं,
निजीकरण किस प्रकार से समाप्त किया जाए, और सरकारी जो लोग हैं जो काम नहीं करते हैं, जिनके कारण से निजीकरण की बात आई है, आखिरकार वो काम पर कैसे लगें? एक ही नौकरी पर जहां एक व्यक्ति के पैसे में चार चार लोग कैसे एडजस्ट किए जाएं? देश को संभालने की बात करो, नौकरियां नहीं है लोगों को, नौकरियां दीजिए। परंतु मैं कहता हूं व्यर्थ की चर्चाएं, हिंदू मुसलमान की चर्चाएं छोड़ो, सुशांत की जो की चर्चाएं छोड़ो, ये केवल चर्चा करो तो ऐसी करो जिससे देश को प्रगति हो। बहुत बहुत धन्यवाद युवराज जी। धन्यवाद, नमस्कार।